Good morning, students. Today I am going to teach you a new essay that is in your syllabus, that means Speed by Max Beerbohm. So in the starting of this essay, there are few lines. The author has put some few lines and it has some meanings. And after that he has elaborated his essay. Is essay ki shuruaat mein hi writer ne kuch lines likhi hain. So I would like to recite some few lines here and then I will explain you. So इस ऐसे में आपको ये समझना है कि ये पूरा ऐसे स्पीड के ऊपर है, और अगर आप इसको बहुत ईजी वे में समझना चाहें तो पहले राइटर स्पीड को एडमायर करता है और उसे मैनकाइंड का एक नेचर बताता है, और ये बताता है कि जो मैनकाइंड है, एक एडवांटेज की तरह बताते हुए बोलता है कि जो मैनकाइंड है वो हमेशा से स्पीड को एडमायर करता आ रहा है, लव करता आ रहा है, और इसके कुछ एग्जांपल्स देता है कि शुरू से ही स्पीड हमारे लिए बहुत अच्छी एक एडमायरेबल चीज़ रही है. जैसे कि वो एग्जांपल्स में कहता है कि हम पहले भी वो करते थे, कार रेस कह रहे हैं, मैराथन करते थे, और वो अब एग्जांपल देता है कि हम चैरियट्स रेस करते थे, तो रोमन चैरियट्स रेसेस होती थी और मैराथन रेसेस होती थी. ये सब हमें बताती है कि एक बहुत ही पॉपुलर इंस्टीट्यूशन रहा है, बहुत ही पॉपुलर फैक्ट रहा है हमारे लिए, रहा है हमें इन्फ्लुएंस करने वाला एक फैक्ट रही है स्पीड. और फिर आगे वो बताते बताते डिसएडवांटेज ऑफ स्पीड भी बताते हैं, जिसमें वो रोड्स के बारे में बताते हैं कि अब रोड्स की हालत टेरेबल हो गई है, और फिर वो बताते हैं कि कितनी इनसिक्योरिटीज़ हो गई है, ये ज़्यादातर बच्चों और बूढ़ों के लिए है. फिर आगे वो ये कहते हैं कि प्रमोट करते हैं कि अगर इस इनसिक्योरिटीज़ में बच्चे या बूढ़े हमारे रहेंगे तो आगे क्या जनरेशन में क्या असर पड़ेगा. और फिर आगे वो एडवोकेट करते हैं कि जो भी स्पीड का को इंडेंजर की तरह यूज़ करे और डेंजर की तरह यूज़ करे उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए. तो मैं शुरू करती हूँ यहाँ पर. बियरबॉर्न ऑथर ने अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, और उस एक्सपीरियंस में उन्होंने बताया है कि स्पीड कितनी फैसिनेटिंग होती है, कितना इम्प्रेस करती है, कितना दिल को खुश कर देती है, रिजिनेटिंग होती है, कैसे आपको एकदम नयापन देती है. तो आपने भी ये फील किया होगा कि जब आप लोग स्पीड में चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, स्पीड में चलते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं. हवा, गश ऑफ विंड आपके फेस पे लगती है, हवा लगती है, और बहुत तेज़ी से चलना आपको पसंद है. इसीलिए यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में चलते हैं, जिनके लिए ट्रैफिक रूल्स भी रहते हैं. तो ये कुछ कुछ इसके आस पास घूमेगी स्टोरी. तो अब आप इतने बैकग्राउंड के साथ इसको स्टार्ट करेंगे. पहले वो कुछ लाइन्स कहता है जो कि उसके द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा कही गई है. वो खुद भी एक पोएट और क्रिटिक था, उसका नाम विलियम अर्नेस्ट हैनले था. तो यहाँ पे उन्होंने कहता है, इन द आई ऑफ लॉर्ड, बाय द विल ऑफ लॉर्ड, आउट ऑफ द इनफाइनाइट बाउंटी डिसेंबल्ड. और कई लाइंस और कही हैं जो कि मैंने सारी नहीं ली, मेरे पास डू नॉट हैव द टेक्स्ट हियर. तो उन्होंने ये कहते हुए कहा है कि स्पीड शुरू से ही एक गॉडली थिंग मानी जाती है, और ये लाइंस मैं नहीं कह रहा हूँ. इंट्रोडक्शन में वो एक ऑथर का इंट्रोडक्शन देते हैं जिन्होंने ये लाइंस लिखी है. उन्होंने कहा है कि दिस लाइंस आर नॉट फ्रॉम मी. द ऑथर सेज दैट दीज आर नॉट माइन बट फ्रॉम अ मैन मोर रिमार्केबल देन हिम. वो ये कहते हैं कि ये मेरे द्वारा नहीं लिखी गई है, ये उस आदमी द्वारा लिखी गई है जो मुझसे भी ज़्यादा रिमार्केबल, मुझसे भी ज़्यादा इम्प्रेसिव, मुझसे भी ज़्यादा अच्छा था. हु इज़ अ पोएट, जो पोएट है, पोएट था, और जो क्रिटिक भी था एंड एडिटर ऑफ द स्कॉट्स ऑब्जर्वर, और एक स्कॉट्स ऑब्जर्वर एक लिटरेरी जर्नल था, वहाँ उसका भी ऑब्जर्वर था वो, और एक ग्रेट इंस्पायरर ऑफ द यूथ, और वो एक यूथ को इंस्पायर करने वाला पर्सन था. बट नाउ ही इज़ अ बिट लेस फेमस, बट अब वो कम फेमस है क्योंकि अब उसका इन्फ्लुएंस कुछ कुछ कम हो गया. बट वो कभी 1890s में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल राइटर हुआ करता था, ऑथर हुआ करता था, और बहुत ही ज़्यादा एक फियर्सफुल खूंखार फियर्स फेलो हुआ करता था. ही वॉज द फियर्स हेड ऑफ वाइकिंग्स, और ऐसा लगता था कि वो तो लुटेरों का हेड है, मतलब एक बहुत ही फियर्स किस्म का पर्सन, एक बहुत ही खूंखार किस्म का, बढ़िया किस्म का विरोध, बढ़िया इन्फ्लुएंशियल किस्म का पर्सन हुआ करता था.
और उसका मैजिक चलता भी था, बट अब जो है उसको कुछ बीमारी थी बचपन से ही, तो उसे उस बीमारी ने इतना लाचार कर दिया था कि वो क्रचेस को लेकर के, बैसाखी को लेकर चलता था। अगर वो बैसाखी पे ना चलता तो उसके सपने इतने बड़े बड़े थे कि वो अब तक हिल्स में और डेल्स में अपने आप को, अपनी इस ज़िंदगी को इंजॉय कर रहा होता और अपने होने को जस्टिफाई कर रहा होता, अपनी लाइफ को जी रहा होता और अपने आप को, अपनी वाइटैलिटी को सेटिस्फाई कर रहा होता, अपनी इंपॉर्टेंस को, अपनी लाइफ को जो उसे ऊपर वाले ने दी थी। मगर क्योंकि वो बीमार रहा, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रही, तो वो कमज़ोर था, उसके पैर कमज़ोर हो गए और वो ये सब कुछ नहीं कर पाए और थोड़ा सा लेस इन्फ्लुएंस होकर के रहा बाद तक। फिर वो अपने एक एडमायरर की बात करते जिसका नाम था मिस्टर एल्फ्रेड हेम्सवर्थ, और वो कहते हैं कि ये उस बात तब की बात है जब सेंचुरी शुरू हुई थी। ही सेड दैट द एट द अर्ली ईयर्स ऑफ दिस सेंचुरी इन द यंग डेज ऑफ मोटरिंग हिज एडमायरर मिस्टर एल्फ्रेड हेम्सवर्थ टुक हिम आउट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। उसका जो एक एडमायरर था एक दिन उसके पास आया और बोला कि चलते हैं हम लोग, हम आपको एक लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना चाहते हैं अपनी मर्सिडीज़ में कंट्री साइड की तरफ। और जब वो उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाता है, मर्सिडीज़ के बारे में राय ऑथर कहते हैं कि मर्सिडीज़ जो था उस टाइम का एक ग्लोरियस रेवलेशन था, एक एपोलिप्स था, जैसे कि मतलब एक बहुत ही तहसदी भरा भूचाल मचा देने वाला एक्सपेरिमेंट था। और दिस इज़ द इंस्पिरेशन विच इंस्पायर्स हिम टू राइट द ओपनिंग लाइंस। और यही एक इंस्पिरेशन थी जिसमें बैठने के बाद मुझे फील हो रहा जो हुआ वही मुझे ओपनिंग लाइंस लिखने के ऊपर मजबूर करता है, यहाँ पर कोट करने को मजबूर करता है। यानी जब वो वहाँ पे बैठे तो उन्होंने बताया कि जो आजकल की आपकी गाड़ियाँ हैं वैसी गाड़ियाँ नहीं होती थी तब के, जब पूरा सब पैक है, अंदर कोच है, आप बैठ गए और बंद हो गया और गाड़ी बंद हो गई, हवा नहीं आ रही। वो उस ज़माने की बात कर रहे हैं जब गाड़ियाँ जो हैं ओपन हुआ करती थी, ओपन हुड होता था, ओपन रूफ होता था, ओपन टॉप होता था। जैसे इन दोज डेज कार्स वर नॉट लाइक दे आर टुडे, क्लोज लाइक कोचेज, इट इज़ बीन ओपन विदाउट हुड, टॉपलेस, वेयर यू कैन फील एयर फीलिंग इन टू योर लंग्स, जिसमें आप बैठने के बाद आपको ऐसा महसूस होता था कि एयर आपकी लंग्स तक आ रही, मतलब हवा बहुत तेज़ी से लगती थी और जितनी तेज़ स्पीड होती थी उतनी तेज़ हवा आती थी। आप फील कर सकते हैं, आप अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं तो तेज़ हवा आती है। और वो कहते हैं कि ऐसा लगता था कि जैसे एक तुम एक नए इंसान बन गए हो, इतनी तेज़ हवा। आपको भी फील किया होगा जब आप गाड़ी लेके बहुत तेज़ स्पीड में निकलते तो आपको भी एक नयापन, एक नया, एक बहुत ही अच्छा एंथुसियास्टिक फील होता है। तो वो वैसे ही बताते हैं कि जब मैं उस गाड़ी में बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक नया इंसान हूँ, एज़ यू आर अ बेटर पर्सन विथ न्यू एंथुसियाज़म। और वो कहते हैं कि मैं जैसे ऐसा फील हुआ कि मैं एक पर्सन, बेटर पर्सन हो गया हूँ, नयापन आ गया मुझ में, नया जोश, नई बात आ गई है। व्हाइल यू आर ड्राइविंग योर बॉडी इट इज़ कंटिन्यूस एक्सरसाइज, और जब आप ड्राइव कर रहे होते तो आपकी बॉडी कंटिन्यूस एक्सरसाइज में होती, हिल रही होती, ऐसा लगता है उतरने के बाद कि आपने बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क किया हो या बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज कर ली हो। और आपको आने के बाद भले ही आपने गॉगल्स लगा रखा हो मगर मिट्टी और हवा आपके बालों के अंदर से गुजरती है, आपके एक चेहरे के एक एक पोर को महसूस करती है, आपकी स्किन को बिल्कुल फीलिंग होती है। और जब आप आते हैं राइड करने के बाद तो आपको शैम्पू करना बहुत ज़रूरी जाता है क्योंकि डस्ट आपके बालों में घुस चुकी होती है। और जब आप शैम्पू करने के बाद जब आप वापस आते तो ऐसा लगता है कि आप जैसे बिल्कुल एकदम रिजुनेटेड होकर आ रहे हैं, नई न्यू लाइफ से वापस आ रहे हैं। फर्दर ही टॉक्स अबाउट हेनले हु रोट पोएम ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, फिर वो हेनले के बारे में बात करते हैं जिनकी लाइन्स उन्होंने आपको पहले कोट की थी। और वो कहते हैं कि उसने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे लिखा है, जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर पे लिखा है और टॉरी पार्टी पे लिखा है। तो वो कहते हैं कि वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में लिखता है, एंड हियर इज़ अ न्यू सब्जेक्ट। और आज मैं कहता हूँ कि एक नया सब्जेक्ट उनको मिलता है, ग्लोरियस, एक गॉडली सब्जेक्ट मिलता है लिखने के लिए, और वो सब्जेक्ट है स्पीड। और वो स्पीड को इतना अच्छा क्यों कह रहा है, क्योंकि स्पीड जो है वो गॉडली थिंग है, क्योंकि ही बिलीव्स इन द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। वो इसलिए कह रहा है कि स्पीड एक गॉडली थिंग है, एक गॉड है, बिकॉज ही बिलीव्स इन द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। फिर वो क्या कहता है, इट इज़ नॉट रॉन्ग टू से दैट मैनकाइंड हैज़ ऑलवेज लव स्पीड। वो फिर बताता आगे कि एक गलत नहीं होगा अगर मैं ये कह दूँ कि मैनकाइंड जो है वो हमेशा स्पीड की सपोर्टर रहा है या हमेशा स्पीड को एडमायर करता रहा है। स्पीड हैज़ ऑलवेज बीन एक्नॉलेज टू बी ग्रेट फन, स्पीड हमेशा एक बहुत ग्रेट फन रही है इंसान के लिए, जैसे कि मैराथन रेस होती है, पॉपुलर इंस्टीट्यूशन है, रोमन चैरियट्स रेसेस होती रही हैं,
फिर वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप स्पीड फिजिकल स्पीड की बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटल स्पीड ऑल्सो। मेंटल स्पीड वाला जो दिमाग का, तो कहते हैं ना जिसने तेज़ कैलकुलेशन कर लिया, तेज़ राइटिंग कर लिया, तेज़ लिख लिया, वो ज़्यादा तेज़ माना जाता है, एडमायर किया जाता है। कौन सबसे ज़्यादा एडमायर किया जाता है? जिसने तेज़ी से काम कर लिया। तो वो कहता है कि मेंटल स्पीड हैज़ ऑल्सो हैज़ ऑलवेज बीन कमेंडेबल एडमायरेशन कमांडेड एडमायरेशन लाइक स्पीड ऑफ लेम एक्सेट्रा लाइक फादर न्यूटन। फिर वो एग्जाम्पल देता है कुछ लिटरेरी राइटर्स का और कहता है कि स्पीड ने इनको भी बहुत इम्प्रेस किया है, बहुत इन्फ्लुएंस किया है लिटरेरी राइटर्स को भी। और वो फिर कहता है फादर न्यूमैन का एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि ही रोट हिज लवली अपोलोजिया इन 8 weeks। 8 weeks में उन्होंने अपना एक वर्क था अपोलोजिया वो लिख लिया था। फिर सैमुअल जॉनसन का नाम लेते हुए कहता है रेसेलियास जो थी वो उन्होंने इवनिंग ऑफ 1 week, हर वीक का इवनिंग में बैठ के लिखते थे और 7 दिनों में उन्होंने वो रेसेलियास लिख ली। तो कितनी बड़ी बात हो गई इनके लिए। एडवन गिबन का नाम लेते हुए कहते हैं कि डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर उसने 6 months के अंदर लिख ली थी। और क्रिस्टोफर रन का नाम लेते हुए कहते हैं कि ही डिज़ाइन सेंट पॉल्स कैथीड्रल इन 25 minutes। तो वो ये कहते हैं कि उसने तो सेंट पॉल्स कैथीड्रल जो है 25 मिनट में ही डिज़ाइन कर दिया था। तो ये सारी जो स्पीड है ये भी बड़े लोगों की स्पीड जो है एक तरह से बड़े लोग एडमायर करते हैं, ग्रेट पीपल एडमायर करते हैं, और वो ग्रेट भी इसीलिए होते हैं क्योंकि वो स्पीड का साथ रहते हैं। और फिर वो कहता है द रैपिडिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट दैट इज़ नाउ एट आर डिस्पोजल हैज़ डली एक्सेलरेटेड द पेस डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ अ ब्रेन। वो ये कहते हैं कि जैसे हम चलते भी हैं अगर ट्रांसपोर्ट में चलते भी गाड़ी चलाने वाला, तो जितना तेज़ आपका दिमाग भागता है उतना ही तेज़ आपकी स्पीड भी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा यंगस्टर्स जो होते हैं बहुत तेज़ चलाते हैं, ओल्ड होते हैं धीरे चलाते हैं, छोटे होते हैं बच्चे तो वो बहुत धीरे चलाएंगे, बहुत छोटे बच्चे होंगे तो धीरे धीरे चलाएंगे। अगर एकदम यंग हुए एडोलेसेंस एज के बच्चे तो इसीलिए उनको बोला भी जाता है कि गाड़ी लेके नहीं जाओ बाहर, क्योंकि वो उनका माइंड बहुत तेज़ वर्क कर रहा होता है, तो वो स्पीड पे भी कंट्रोल उसी हिसाब से रखते। तो वो यही कहते हैं कि अगर किसी का माइंड तेज़ वर्क करता है तो उसी तरह से उसकी स्पीड भी अफेक्ट करती है उस पर। ही फर्दर सेज दैट ही हैज़ सीन एम्प्लॉयड पीपल ईटिंग फास्ट। और वो ये भी कहते हैं कि हमने बहुत देखा कि जो लोग काम काजी लोग होते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं, कहीं उनको जॉब होती है, कहीं एम्प्लॉयमेंट होता है, वो लोग दिन में जल्दी 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 खाना खा के अपना काम पे वापस लौट रहे होते हैं, रादर वो जब छोटे होते हैं और उनके पास कोई काम नहीं होता। तो स्पीड जो है बहुत ग्रेट रोल करता है, प्ले करता है लाइफ में भी, और लाइफ साइकिल में भी, लाइफ के जीने में भी, अंदाज में भी। आपकी स्पीड बताती है कि आप एम्प्लॉयड हैं या आप नहीं हैं, या आपके पास काम है या आपके पास नहीं है कोई काम, आप बिज़ी पर्सन हैं या आप बिल्कुल बेरोज़गार हैं, तो वो भी बताता है आपको। फिर वो डिसएडवांटेज की तरफ बढ़ते हैं, और फिर डिसएडवांटेज की तरफ बढ़ते हुए वो ये कहते हैं कि रोड्स आर पेनफुल एंड टेरेबल इशूज़ दीज डेज, और बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ मोटर्स मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स कंप्लेन ऑफ द पेडेस्ट्रियंस। फिर वो कहता है कि आजकल जो रोड जो है बहुत ही टेरेबल और पेनफुल इशू बन चुका है। क्यों? क्यों? बिकॉज ऑफ द स्पीड। बिकॉज लेकिन वो ये भी बताते हैं कि उनके कुछ दोस्त जो हैं वो शिकायत करते हैं कि जो पैदल यात्री हैं, जो पैदल चलते हैं, ये प्लेटफॉर्म पे चलने वाले हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये हमें इतने ख़राब ढंग से चलते हैं कि हम गाड़ी नहीं चला पाते। और हाँ बिल्कुल, ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये लोग तो पहले से रोड पे चल रहे हैं, हम तो गाड़ी लेके आ जाए हैं ना, तो ये ताकत रखते हैं पूरी हमें मार डालने की। एक्चुअली वो जो गाड़ी वाले, आप नहीं देखते कि अगर आप गाड़ी चला रहे होते तो आप चिल्लाते हैं, कह रहे भैया ढंग से चल लो, आप गाड़ी चला रहे हैं और अगला पैदल चल रहा है और अचानक से रास्ते में आ गए तो आप चिल्लाते हैं कि ठीक से चल लो। तो वो वही कह रहे हैं कि जो स्पीड वाले हैं, जो स्पीड वाली गाड़ी पे बैठे हैं, वो उनको डांट रहे होते हैं, उनके बारे में ख़राब कह रहे होते हैं जो पैदल चल रहे हैं, और उनसे कहते हैं कि ये लोग ज़्यादा अपना हक समझते हैं। आप नहीं कहते अपने पापा की जागीर समझ रखी है तुम लोगों ने रोड चलने के लिए? तो वो वैसी वाली फीलिंग है उनके अंदर। वो ये कहते हैं कि हाँ वो तो ज़्यादा अपने ओनरशिप मानते हैं अपनी इस रोड की, क्योंकि वो इस बात को ही मानते हैं ना कि हाँ वो रोड जो है वो उनकी है, क्योंकि उन्होंने तो पहले से चलना शुरू किया है, और आपने तो बाद में कार लेकर ड्राइविंग करने आप गाड़ी रोड पर उतरे हो, तो वो आपको मार देने की ताकत रखते हैं। और दे कैन कम आफ्टर एंड दे हैव द राइट टू किल यू। व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन हु विल बी ब्रॉट अप विद दिस टाइप ऑफ इनसिक्योरिटी। आप थोड़ा सा उतर परेशान होते हैं, कहते हैं अगर
इस जगह का क्या फ्यूचर होगा जब ऐसी इनसिक्योरिटी के साथ जनरेशन हमारी आगे बढ़ेगी। और ये जो स्पीड है ये हमारे लिए तो चलो छोड़ो, लेकिन ये ओल्ड लोगों के लिए और बच्चों के लिए कितनी ख़तरनाक है। फिर वो बाद में नेक्स्ट लाइन में, लास्ट लाइन में एक्सप्लेन करते, लास्ट वर्ड्स में एक्सप्लेन करते अपने लास्ट पैराग्राफ में कि एट द एंड ही एडवोकेट्स दैट के ये जो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए उनके लिए जो कि तेज़ स्पीड के वजह से डेंजर में डालते हैं लोगों की ज़िंदगी को और ये स्पीड को एक ख़तरनाक और बुरी चीज़ बनाते हैं। तो उन्होंने लास्ट लाइन में एडवोकेट भी किया है, स्पीड को ही प्रमोट नहीं किया है कि स्पीड को प्रमोट कर रहे हैं बस खाली और कह रहे हैं कि तेज़ चलाओ तेज़ ही करो, लेकिन वो लास्ट में सिक्योरिटी को रूल्स को भी प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि ये इनके लिए स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए जो स्पीड को डेंजर की तरह प्रमोट कर रहे हैं, जो स्पीड को डेंजर बना रहे हैं। स्पीड एक बहुत अच्छी चीज़ है पर सिक्योरिटी और रूल्स के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, ये लास्ट में वो प्रमोट कर रहे हैं। एज सच बिल्कुल ओपनली नहीं प्रमोट कर रहे हैं बट उनका राइटिंग स्टाइल ऐसा है जो वो कह रहे हैं। तो आई हैव ट्राइड कि आप ईजीएस्ट इंग्लिश और ईजीएस्ट हिंदी में इसको समझ पाएँ। मेरा पर्पस है कि आप इसका थीम समझ पाएँ, इसका बेसिक समझ पाएँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। फिर आप इसको सुनने के बाद एक बार अपना लेसन पढ़ेंगे, लेसन पढ़ने के बाद आप उसके क्वेश्चंस देखेंगे और आप ये बताएंगे कि आप ये सब कुछ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हो प्लीज़ कमेंट करेंगे, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन।